प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में बंद महिला कैदी इन दिनों राखी बना रही हैं। खास बात यह है कि तिरंगा थीम पर महिला कैदियों ने राखियां तैयार की हैं। जेल प्रशासन ने तिरंगा थीम पर बनी राखियों को खरीदने का प्लान बनाया है। जो राखियां बचेंगी उन्हें बाजार में भी भेजा जाएगा। अब तक महिलाओं ने करीब 5,000 राखियां तैयार की हैं। दरअसल रक्षाबंधन को देखते हुए महिला बंदियों ने राखी बनाने की इच्छा जाहिर की थी, जिस पर जेल प्रशासन ने महिला कैदियों को जरूरी सामान उपलब्ध कराया है। देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव इसमें मनाया जा रहा है और हम लोग चाह रहे हैं कि इस समय जो रक्षाबंधन का त्यौहार है उसको पूरे समारोह पूर्वक और उत्साह के साथ और अच्छे तरह से इसको सेलिब्रेट किया जाए जेल में। इसके लिए हम लोगों ने जो भी महिला बहनें बाहर से आएंगी उनको केवल आना भर है, सारी इंतजाम हम लोग खुद किए हुए हैं। उनके जलपान के राखी रोली चंदन तिलक जो भी है रक्षाबंधन के पर्व पे आवश्यकता पड़ती है सब कारागार प्रशासन की ओर से व्यवस्था की गई है। बैठने के लिए भी अलग से उनका इंतजाम विशेष खास तौर पे पूरे साजो सजावट के साथ हम लोग मनाने जा रहे हैं करने जा रहे हैं। और राखियाँ जो खास बात है कि जो बंदी बहने बनाई हैं वहाँ पे हमारे महिला विंग में महिला बंदियों द्वारा उन्हीं के द्वारा उनके हाथों से निर्मित जो है राखियाँ जो है बंदी उनकी कलाइयों पे सजेंगी। और लगभग अभी तक 5,000 के ऊपर राखियाँ तैयार हो गई हैं। ज़्यादातर राखियों को हमारे स्टाफ के लोगों ने ही परचेज किया है और शेष जो राखियाँ बची हैं उनका उपयोग रक्षाबंधन पर्व के दिन जो है बहने अपने जो अंदर निरुद्ध भाई हैं उनके कलाइयों को बांध के कर सकेंगे। मिलाई का है अमूमन पंजीकरण का समय 11 बजे तक रखा जाता है, लेकिन रक्षाबंधन का पर्व है और दूर से लोग आते हैं तो उनकी भावनात्मक इसका त्यौहार का महत्व देखते हुए हम लोग 1 घंटा और विलंब तक पंजीकरण करेंगे। 12 बजे तक आने वाली बहनों को पंजीकृत करके उनकी मुलाकात कराई जा सकेगी। और चूँकि बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं रहेंगी इसलिए उस दिन पुरुष बंदियों की मुलाकात पुरुष परिजनों की मुलाकात नहीं हो पाएगी सिवाय उनके जिनकी बहनें अंदर हैं और सिर्फ महिलाओं की मुलाकात उनकी कराएगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMDNews/